Circles, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है जैसे कि हम पता है किन पे दो सर्कल्स की बात की जा रही है जो कि अन हैं है लेकिन यहाँ पे अनइक्वल के साथ साथ एक और हमें चीज बताई गई है वो है टचिंग सर्कल्स इट मीन्स के जो हम सर्कल्स पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं जेंट वापस में एक दूसरे को टच करते हुए नजर आएंगे तो स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं टचिंग सर्कल्स के अकॉर्डिंगली तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास दो केसेस आएंगे तो वो दो केसेस कैसे आएंगे अब देखें ये स्टूडेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कौन कौन सी है एक है इंटरनली इंटरनली टच कर सकते हैं सर्कल दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि वो टच कर सकते हैं एक्सटर्नली तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हमने दो केसेस यहाँ पर बनाएंगे और इनको करेंगे अंडरस्टैंड के इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे टच करेंगे वो जैसा कि स्टूडेंट आप इस फिगर में देख सकते हैं ये दोनों फिगर्स हैं जिसमें हमें टच करते हुए नजर आ रहे हैं ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ गया यहाँ पर ये है और यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम टच करने की बात कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में यहाँ क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये थोड़ा सा प्रोमोनेट करके इसलिए शो किया ताकि आपको क्लियर रहे ओके अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम देख सकते हैं जिन दो केसेस को मैंने कहा कि हम डील करेंगे तो फर्स्ट केस तो हमारे पास ये आ गया जिसमें हम किस तरीके से लेकर टच कैसे कर रहे हैं ये टच कर रहे हैं इंटरनली और हमारी फिगर कुछ हमें इस तरीके से नजर आएगी लेकिन हम किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है स्टूडेंट यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और जो दूसरा हमारे पास केस है जहाँ पे हमें पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करना है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर टच करते हुए नजर आ रहे हैं हमें एक्सटर्नली तो ये वो केसेस होंगे जो कि हम डील कर रहे होंगे आज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने शो करना था बेसिकली आपको इन फिगर्स के थ्रू तो इस तरीके से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज करते हुए हम टेंजेंट्स को करेंगे ड्रॉ अब स्टूडेंट क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट की तो हमें पता है कि हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इट मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट नाइन्टी डिग्री एंगल ऑन द बोथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो इसी

और हमें पता है हम इसका सेंटर पहले मार्क कर देंगे दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल सो हियर ओके अब हमें एक और सर्कल सुन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस ओके अब हमें क्या करना है इस सर्कल के सेंटर को भी कर लेना है मार्क यहां पर सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सेकेंड सर्कल विच टच इज द फर्स्ट सर्कल इंटरनली और अब क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे ओके यस स्टूडेंट अब हमें क्या करना है इनके वर्टिसेस यहाँ पे जो बेसिकली सेंटर्स हैं उनको कर देना है मेंशन दिस इज ओ एंड दिस इज ओ प्राइम अब हमें क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि इन सेंटर्स को भी ज्वाइन करेगी और उसको हम क्या करेंगे प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक जहां तक हमारे पास ये सर्कल की बाउंड्री है इसको इस तरीके से कुछ हमें करना है यहाँ पे प्रोड्यूस तो बेसिकली हमने उसको टच किया है उस पॉइंट तक जहां पर ये दोनों सर्कल्स हम इंटरनल टच करते हुए नजर आ रहे हैं जो पॉइंट बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये स्टूडेंट अब फर्दर क्या करना है सबसे पहले मुझे तो ये जो पॉइंट है जहां पर टच कर रहे हैं उसको यहाँ मैंशन कर देना है दिस इज द पॉइंट ए अब हमने ए जो हमारे पास पॉइंट है बेसिकली उसको शो भी कर दिया अब मुझे क्या करना है मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट जो कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे टच होता हुआ गुजरे तो हमें इस कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी पता है कि जब भी हम टेंडेंट की बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे होते हैं वहां पर हमें नाइनटी डिग्री रिक्वायर्ड होता है तो मुझे क्या करना है कंपस की मदद से यहाँ पर नाइनटी डिग्री करना है कंस्ट्रक्ट यहां पर हमने इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया है इसको हम नॉर्मल ओपन कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर तो यस यह स्टूडेंट हम एक आर्क यहां पर ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब देखें आ, ये करने के बाद मुझे फर्दर क्या करना है कंपास को रखना है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे रखने के बाद मुझे आग ड्रॉ कर लेनी है एक यहाँ पर और फिर इसको उठाएंगे और रखेंगे इस पॉइंट पे और इसको क्योंकि ये हमें सिक्सटी डिग्री शो कर रहा है अब हम जो आग ड्रॉ करेंगे वो शो करेगा 120 डिग्री अब यहाँ पर जो हम आर्क ड्रॉ करें 120 डिग्री को शो कर रही है अब मैं इसी को यूज करते हुए 60 डिग्री को अब 90 डिग्री के लिए टू आर्क ड्रॉ करते हैं एक आर्क इसको रोटेट कर लेंगे एक आर्क आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पर रखने के बाद दोबारा एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर ये दूसरी आर्क आ गई है अब देखें स्टूडेंट हमें बेसिकली जो पॉइंट रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है वो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हमें एक के साथ ज्वाइन करना है और एक ड्रॉ करना है टेंजेंट। ये स्टूडेंट हमने ये वो टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि हमने देखा जो हमारे पास टू सर्कल्स हैं जो कि अन हैं उनको टच को आ, करता हुआ गुजर रहा है तो बेसिकली हमारे जो फर्स्ट केस था उसको हम कर चुके हैं अंडरस्टैंड और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी कर चुके हैं इसके रिटर्न वर्क की तरफ मूव करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं केस टू को ये स्टूडेंट गिवन हमारे पास क्या था टू अनईक्वल टचिंग सर्कल्स ये बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें गिवन थी कि टू सर्कल्स थे जो कि अनईक्वल थे और एक दूसरे uh, को टच कर रहे थे और केस वन हम स्पेसिफिकली किस चीज़ को लेकर रहे हैं टच कर रहे थे इंटरनली विद सेंटर्स सेंटर्स हमारे पास क्या थे ओ एंड ओ Prime. हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था जॉइन ओ एंड ओ प्राइम एंड प्रोड्यूस ओ ओ प्राइम टू मीट द सर्कल्स एट द पॉइंट ए वेयर दी सर्कल्स टच ईच अदर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ओ ए पे हमारे पास टेंजेंट आ गया था जो कि क्या था परपेंडिकुलर था और मैंने क्यों परपेंडिकुलर था और कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थर्ड स्टेप में फिर हमने क्या किया डॉ परपेंडिकुलर टू ओ एट पॉइंट ए ए ओ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यों क्योंकि हमें टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर लाइन सेगमेंट के ऊपर तो हमने उस उस को अप्रोच करने के लिए यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ ए के ऊपर ए विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट जो कि हमारे पास क्या आ चुका था स्टूडेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट आ चुका था ओके स्टूडेंट वी हैव डन विद द केस वन आर गोइंग टू मूव द केस टू अब केस टू में हम क्या कह रहे हैं टचिंग एक्सटर्नली तो हमें एक्सटर्नली टच करते हुए नजर आएंगे दो अन एक सर्कल तो एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से एक सर्कल ये आ गया इसके सेंटर को मेंशन कर देंगे दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल ओके अब हमें क्या करना है एक और सर्कल कर लेना है ड्रॉ और वो सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि वो इसको टच करता हुआ जाए और उसका रेडियस हम थोड़ा सा रखेंगे कम ये स्टूडेंट दूसरा सर्कल भी हमारे पास आ चुका है और मुझे अब क्या करना है मुझे मेंशन करना है इसके सेंटर को। ऑफ दिस सर्कल अब हमारे पास दोनों सर्कल्स के सेंटर आ चुके हैं अब नेक्स्ट हमें क्या करना है हमें इनके जो सेंटर्स हैं उनको मैंशन कर देना है दिस इज ओ एंड दिस इज ओ प्राइम ओके अब हमें क्या करना है हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई नजर आएगी ये yes, स्टूडेंट मैंने इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनको इस तरीके से कर दिया है विजिबल ताकि हमें क्लियरली नजर आ सके अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको हम मैंशन करेंगे वो हमारे पास ये आ गया और इसको मैं करने जा रही हूँ मैंशन दिस इज बी ओके ये हमने इस तरीके से कर दिया मेंशन अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट मुझे यहाँ बी वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल को करना है कंस्ट्रक्ट हम कंपास को यूज करने लगे हैं कंपस को रखेंगे वर्टेक्स बी के ऊपर तो अब एक आर्क में ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से ये एक आर्क आ गई इसको रखेंगे यहाँ पर अब एक आग में ड्रॉ कर दूंगी इस पॉइंट पर रखते हुए कुछ इस तरीके से और अब कंपास को उठाना है और रखना है यहाँ पर इसको कर लेंगे रोटेट रोटेट करके हम इसको प्लेस करेंगे कुछ इस जगह पर ऐसे अब क्या करना है मुझे इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हैं जो कि 120 और 60 को शो कर रहा है मुझे यहाँ पर 90 के लिए आग ड्रॉ करनी है तो मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा ओपन कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पे रखते हुए अब करने जा रही हूँ टू आग ड्रा और हम कर लेंगे आग ड्रा एक आर्क आगे यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लेते हैं इस तरीके से रोटेट रखेंगे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे रखने के बाद मुझे रोटेट करना है और एक और आर्क करनी है ड्रॉ यहाँ पर अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को इससे करते मुझे एक लाइन करनी है तो मैं यहां पर करने जा रही हूं लाइन ड्रॉ जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओ ओ प्राइम पे परपेंडिकुलर है लेकिन अगर मैं ओ बी पे देखूं, उस उसपे भी है और बी ओ प्राइम पे देखो तो ये उस पर भी ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर ही नजर आएगी अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास ओ था ये हमारे पास ओ प्राइम था ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, था जिसपे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया कॉन्सेप्ट हम वही यूज कर रहे हैं अगर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसके साथ जो हमारे पास टेंजेंट होता है वो नाइनटी डिग्री एंगल बनाता है तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले नाइनटी डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट किया था ये स्टूडेंट आई होप कि आपको केस टू भी क्लियर होगा अब हम चलते हैं इसके रिटर्न वर्क की तरफ ये yes, स्टूडेंट हाँ, हमें गिवन क्या था टू अनिकवल सर्कल्स अब देखें यहां पर हम बेसिकली फिर बात कर रहे हैं टू अन एकवल सर्कल जो कि एक दूसरे क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं सो टू अनुअल टचिंग सर्कल्स अब टच कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट ये टच कर रहे हैं इस केस में एक्सटर्नली जिनके सेंटर्स हमारे पास आ गए ओ और दूसरा आ चुका है ओ प्राइम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं पहले स्टेप में हमने क्या किया था उसको so, करेंगे मेंशन ओ ओ विद प्राइम तो हमने ओ को ज्वाइन कर दिया ओ प्राइम के साथ उसके बाद हमने देखा जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आ चुकी थी वो हमारे पास क्या थी स्टूडेंट ओ ओ प्राइम लाइन सेगमेंट आ गई थी इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट द पॉइंट बी तो बी पॉइंट पे हमें वो इंटरसेक्ट करते हुए नजर आई वेर दीज सर्कल्स टच ईच अदर और जहां पर बेसिकली वो क्या कर रहे थे एक दूसरे को टच कर इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स तो ये हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यूज किया था कि किस तरीके से जो हमारे पास सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उस पर टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो इस चीज को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और रिकॉल कर लेंगे परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल्स ओके ड्रॉ पर पेंडिकुलर टू ओ ओ प्राइम तो हमने क्या किया ओ प्राइम जो हमारे पास लाइन सेगमेंट थी जो कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए हमें मिली थी उस पर हमने क्या ड्रॉ किया पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया और किस पॉइंट पर स्टूडेंट किया था वो पॉइंट हमारे पास बी था एट पॉइंट बी विच इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट तो जो हमारे वहां पर लाइन नजर आई स्टूडेंट वो क्या थी रिक्वायर्ड टेंजेंट था स्टूडेंट इसी तरीके से हमने दोनों जो यहाँ पर हमारे पास केसेस थे उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया और हमने इंटरनली और एक्सटर्नली टच कैसे करते हैं सर्कल उसको भी देखा और सिचुएशन में हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हमने कर लिया है अंडरस्टैंड ये स्टूडेंट आई होप कि ये आपको दोनों ही केसेस क्लियर हैं दैट्स इट एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आएगा और जब भी वो इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे इसका मतलब है स्टूडेंट हमें टू ऐसे पॉइंट हमें मिलेंगे जिनको यूज करते हुए हम यहाँ पर टू टेंजन करेंगे ड्रॉ तो इसको हम करते हैं स्टार्ट अब हम uh, क्या करेंगे स्टूडेंट ऑब्वियसली हमें सबसे पहले सर्कल uh, ड्रॉ करने हैं जो कि अनईक्वल भी होंगे और आपस में कर रहे होंगे इंटरसेक्ट तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रही हूँ कुछ इस तरीके से अब ये मैं इसके वर्टिसेस मेंशन कर रही हूँ दिस इज ए एंड दिस इज बी ओके ए बी हमारे पास दो वर्डसेस आ चुके हैं बेसिकली ये जो एंड पॉइंट है स्टूडेंट एक एंड पॉइंट पे मुझे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है और दूसरे एंड पॉइंट पे मुझे दूसरा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली हम यहाँ कंपस की मदद से करेंगे ड्रॉ कर लेंगे तो ए होगा हमारे पास जो हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर और बी होगा हमारे पास जो हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है हमें कंपस रिक्वायर्ड है कम्पस को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अब कर लेंगे दोनों सर्कल्स को ड्रॉ ये yes, स्टूडेंट इस तरीके से मैंने कंपास को प्लेस कर दिया है ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर करेंगे एक सर्कल ड्रॉ कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक सर्कल आ चुका है ओके okay, अब एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है अब हमें एक और सर्कल यहाँ पर करना है वर्टेक्स बी को यूज करते हुए ड्रॉ जो कि हमें इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आए हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास सर्कल है उसके साथ अब देखिए उसका तरीका क्या है उसके लिए आपने करना क्या है जिस तरह का हमें पता जो हमने टचिंग सर्कल्स की बात की थी तो हमने कंपास को सेकंड सर्कल के लिए ओपन किया था बाउंड्री तक लेकिन अब हमें क्या करना है बाउंड्री से थोड़ा सा ज्यादा करना है क्योंकि ये यहाँ पे कहीं हमें सर्कल मिलेगा तो ऑब्वियसली हमें इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर कर लेंगे सर्कल को ड्रॉ yes, right. ये हमारे पास दूसरा सर्कल आ चुका है जो कि हमें रिक्वायर्ड था अब देखिए इसके सेंटर्स हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सेंटर हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके है हुए हैं A इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड B इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल ये स्टूडेंट मैंने इसको इस तरीके से उसको कर दिया मेंशन बस अब ये क्लियर रहे कि आपने इन पॉइंट्स को मिक्सअप नहीं करना अब देखें दोनों सर्कल्स तो हमें ड्रॉ होते हुए नजर आ गए और ये देखें ये दोनों हमें सर्कल नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दो पॉइंट्स पर कर रहे हैं इस तरीके से अब फर्दर हमें क्या करना है उस तो तरफ मूव करते हैं बेसिकली ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी इसका मुझे मिड मिड पॉइंट पॉइंट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है है तो उसके लिए हम ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे कंपस यूज करेंगे कंपस को प्लेस कर देंगे हम एक एंड पॉइंट पर जैसे कि हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं और इसको मुझे हाफ से ज्यादा कर लेना है ओपन ये स्टूडेंट से हमें हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया है और एक आर्क हम करेंगे यहाँ पर ड्रॉप कुछ इस तरीके से इसको कर लेंगे रोटेट और एक आर्क कर लेंगे यहां पर ड्रॉ ऐसे अब क्या करना है कंपास को रखना मुझे इस पॉइंट पर और फिर आर्क को रोटेट करना है और एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहां करने के बाद मुझे एक और आर्क कर लेनी है ड्रॉ सेकंड आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है अब हमें क्या करना है अब हमें इन दोनों पॉइंट जो हमें मिल चुके हैं इनको ज्वाइन करती हुई एक ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर करने के लिए, ए, बी का हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है परपेंडिकुलर बायसेक्टर वाला और परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो हमारे पास वर्ड है उसमें जो बायसेक्टर वर्ड है बेसिकली वो हेल्पफुल हुआ है हमें यहाँ पर मिड uh, पॉइंट को फाइंड करने के लिए तो हम क्योंकि एक लाइन है दोनों को, arrows को करते हैं मेंशन और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मिड पॉइंट आया है उसको भी यहाँ पर राइट कर देंगे ये yes, स्टूडेंट वो हमारे पास आ चुका है ये जो पॉइंट है बेसिकली ये शो कर रहा है मिड पॉइंट को तो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी ये जो वर्टेक्स है ये हमारे पास आ गया है एम ओके एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इसको भी हमने मेंशन कर दिया है रेडियस को भी हम मेंशन कर चुके हैं अब देखें जो हमें पॉइंट मिल चुका है आई एम अब मुझे फर्दर क्या करना है स्टूडेंट देखें एक हमारे पास ये सर्कल है एक ये सर्कल है अब मुझे एक और सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है जो हमारे पास रेडियस होगा वो कितना होगा जिसका डिस्टेंस स्टूडेंट बेसिकली हम रेडियस की लेंथ ले रहे होंगे एम से बी तक या एम से ए तक तो दोनों में से किसी भी एक के अकॉर्डिंगली मैं इसको ओपन कर लूंगी इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली हम कंपास यूज करेंगे यहाँ पर कंपस को रखेंगे वर्टेक्स एम पे और एम पे रखने के बाद इसको मैं ओपन कर लूँगी जहाँ तक हमारे पास बी है कुछ इस तरीके से इसको कर लेते हैं और रोटेट और ये हमारे पास आ जाएगा इतनी लेंथ अब इतनी जो लेंथ है स्टूडेंट इस लेंथ का मुझे एक और सर्कल यहाँ पर करना है ड्रॉ और हम रखेंगे सेंटर किसको लेकर चलेंगे सेंटर हम रखेंगे वर्टेक्स जो हमारे पास पॉइंट एम है उसे ये yes, स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं सर्कल यहाँ पर ड्रॉ जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये स्टूडेंट वी हैव डन विद दिस सर्कल अब देखें ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है वो एम है और जो हमारे पास इसका रेडियस लेंगे तो एम बी या एम ए दोनों ही इसके क्या है रेडियस हैं अब देखिए हमने ये सर्कल भी यहाँ पर कर लिया है ड्रॉ अब फर्दर हमें क्या करना है स्टूडेंट अब लास्ट में हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और बेसिकली वो सर्कल उस सर्कल को यूज़ करते हुए हमें जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें मिल जाएंगे तो ये सर्कल जो मैंने अब ड्रॉ किया जो मैं अब एक और सर्कल ड्रॉ करूंगी उन दोनों की मदद से हम देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है वो किस तरीके से मिलते हैं तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट अब जो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है उस सर्कल का जो रेडियस है वो होना चाहिए इन दोनों सर्कल के रेडियस मतलब बेसिकली आर और आर वन रेडियस जो है इनके डिफरेंस के इक्वल होंगे तो इसको हम यहाँ पर मैंशन कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं कुछ यहाँ पर अब जो हम सर्कल स्टूडेंट ड्रॉ यहाँ पर करने जा रहे हैं इस सर्कल uh, का जो रेडियस है वो हमें किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ मैं बेसिकली ले रही हूँ डिफरेंस किसका आर और आर वन रेडियस का हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर डिफरेंस लेकर चलेंगे तो इसके लिए मुझे क्या करना है उसको देखिएगा कंपस लेंगे सबसे पहले अब मुझे पहले सबसे पहले तो कंपस जो बेसिकली पॉइंटेड पार्ट होता है कंपस का वो रखना है यहाँ पर बी पर बी पर रखने के बाद मैं इसको कर लेती हूँ रोटेट अब मुझे इसे उतना ओपन करना है जितना हमारे रेडियस की लेंथ बन रही है तो, सबसे पहले तो मैंने ये इसको ओपन कर लिया अब ये जितना ओपन है ये ओपन है अकॉर्डिंग टू आर वन अब देखें, ये हमारे पास आर वन की कितनी लेंथ बन रही है उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर एक आर्क करनी है ड्रॉ या गई आर अब ये आर्क बेसिकली क्या शो कर रही है ये आर्क शो करिए गई टोटल हमारे पास आर यहां तक था आर वन क्योंकि हमें पता है कि लेसर है आर से वो लेंथ अगर हमारे पास इतनी है तो आर में से अगर मैं इतना पार्ट सब्ट कर दूं मतलब यहां से यहां 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 से से लेके लेके तक तक है हमारे पास आर वन है तो आर में से अगर मैं इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये का डिफरेंस आ जाएगा तो इसका मतलब ये मुझे कंपस को ओपन करना है इस लेंथ के अकॉर्डिंगली इसको कर लेते हैं रोटेट और ओपन कर लेते हैं इतना कुछ इस तरीके से अब इतना ओपन करने के बाद और ए वर्टेक्स पे रखते हुए ही मुझे एक सर्कल कर लेना है यहाँ पर ड्रॉ अब देखिए स्टूडेंट ये आर्क मैंने बेसिकली इसलिए ड्रॉ की थी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो अगर आप चाहें तो ये जो आर्क ड्रॉ की है इसके पॉइंट को मार्क कर लें और मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर ड्रॉ एक सर्कल इस तरीके से yes, ये हमारे पास सर्कल वो आ चुका है जो कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमने इससे पहले सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल को यूज करते हुए हम अपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स तक अप्रोच करेंगे अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट हमें दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं पहले मैं वन बाय वन मार्क करू फिर हम आगे मूव करेंगे एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है ये और दूसरा पॉइंट आ चुका है ये सबसे पहले तो हम इनको मैंशन कर देते हैं कि इनका ये जो हमारे पास पॉइंट्स है दिस इज P and this is Q. तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ गए अब हमें क्या करना है मुझे एक यहाँ पर ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करेगी एक को पी के साथ उसी के साथ साथ मुझे उसको प्रोड्यूस करना है जो हमारे पास स्टार्टिंग का फर्स्ट सर्कल था जो हमें सबसे बड़ा सर्कल यहाँ पर नजर आ रहा है उसको टच करती हुई नजर आएगी तो हमें क्या रिक्वायर्ड है स्केल यूज करेंगे यहाँ पर डॉटेड लाइंस के थ्रू इसको हम कर लेंगे ड्रॉ अच्छा अब देखिए मैंने कहा था इसको हमने प्रोड्यूस करना है ये, इसकी बाउंड्री तक ये सर्कल है तो इसको इस तरीके से हम अब कर रहे हैं प्रोड्यूस अब एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है ए वर्टेक्स से इस पॉइंट तक जो कि पॉइंट ये आ गया हमारे पास अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है ये शो कर रहा है पॉइंट डी को तो हमें क्या करना है पहले स्केल को यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट हमें जिन पॉइंट्स को करना है ज्वाइन वहां पर रखेंगे और साथ ही साथ हम इस वर्टेक्स को मेंशन भी करते चले जाएंगे देखें इसको रखा ए पे ए पे रखने के बाद मुझे इसको कर लेना है सेट जो कि हमारे पास लाइन हमें सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेगी फिर इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक तो यहाँ पर हम अब जो दूसरी हमें रिक्वायर्ड है वो कर देंगे डॉटेड लाइन शो देखिए यहाँ तक हमने ड्रॉ किया और इसको प्रोड्यूस कर लेना है हमने उस पॉइंट तक के हमारे पास बाउंड्री पे आ, हमें एक पॉइंट मिल जाए ये जो हमारे पास वर्टेक्स है ये वर्टेक्स आ चुका है डी सो आई एम गोइंग टू राइट डी ओवर हियर एंड दिस इज सी सो आई एम गोइंग टू राइट सी ओवर हियर अब देखिए हमारे पास डी और सी दो पॉइंट्स वो आ गए हैं जो कि हमने अब जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं वो इन दो पॉइंट्स से भी टच करेंगे और हमें दो पॉइंट्स और रिक्वायर्ड हैं अब देखें ये वाला और ये वाला वो सर्कल है जो कि हमने स्टार्टिंग में लेकर चले थे कि जो कि बेसिकली हमारे पास इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर भी टू पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनको यूज करते हुए मैं देखूंगी कि एक पॉइंट यहाँ पर होगा एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ होगा तो हम उसको टच करते हुए एक लाइन कर लेंगे ड्रॉ अब इसके लिए मुझे क्या करना है उसको देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट पैरल लाइन के कॉन्सेप्ट को हमने यूज करना है तो हम हम क्या करेंगे देखें मैं कंपस को रखूंगी हमारे पास इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और ओपन भी कर लेते हैं थोड़ा सा अब इस देखिए मैं इसको रखूंगी पी पर पी पॉइंट पर और इसको कर लेती हूँ रोटेट और इसको मुझे ओपन कर लेना है वर्टेक्स बी के अकॉर्डिंगली अब क्या करना है स्टूडेंट मैं यहां पर आर्क स्ट्रॉ करने जा रही हूँ जो कि पैरल लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पर ओके इसमें हमें पता है कि पी से जो डिस्टेंस है ए का और क्यू से जो ए का डिस्टेंस है वो सेम ही है तो हम अगर पी पे ही रहने दें या हम क्यू पे रख के करना चाहें तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर और ड्रॉ कर सकते हैं एक और आर्क तो हमने क्या किया हमने क्यू पे रख लिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो मैंने अब क्यू पे रख लिया है और अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूं एक और आर्क ड्रॉ अब देखिए मैं जो ये पॉइंट है इसको इस से ज्वाइन करूँ और इसको इससे ज्वाइन करूँ तो बेसिकली मुझे वो पॉइंट जो कि मुझे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे तो हम यहाँ पर स्केल को यूज करेंगे दोबारा से आप देखिए स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको क्लियर करते हुए जाएंगे स्टूडेंट को वो कंफ्यूज करती है अब देखिए जैसे कि हमें पॉइंट रिक्वायर्ड है अब इस पॉइंट के लिए मैं रे ड्रॉ करूं या मैं ड्रॉ करूं लाइन सेगमेंट दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहां पर लेट्स सपोज रे ड्रॉ कर रही हूं तब भी मुझे पॉइंट मिल जाएगा अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पॉइंट रिक्वायर्ड है और वो पॉइंट रिक्वायर्ड है पैरेलल लाइन के लिए तो इस चीज का ख्याल रहे तो मैं दोनों चीजें ही आपको भी शो कर देती हूँ तो यहाँ पर हम करेंगे एक साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ जिसने बुक में भी इस तरीके से किया गया है एक हमारे पास आ गया यहाँ पर आ, मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लिया बाहर के साइड पर पता है हम अगर प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली वहां पर हमें पुट करना होता है और दूसरा वजह यह भी है कि आप यहां पर क्योंकि पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एंगल भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं तो अगर वो कंसेप्ट भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसका मतलब ये भी है अब यहाँ पर सिर्फ मैं करने जा रही हूँ सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रॉ क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि हमें ये पॉइंट रिक्वायर्ड था और ये वाला पॉइंट रिक्वायर्ड था तो हम उसको किसी भी अप्रोच से लेकर चल सकते हैं आप देखें दोनों पॉइंट जो कि हमें रिक्वायर्ड थे वो हमें मिल चुके हैं ये पॉइंट मेरे पास आ चुका है टी और ये मैं मैंशन करने जा रही हूँ दिस इज टी प्राइम अब देखें अब बेसिकली जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो इनको यूज करते हुए मुझे टेंजेंट स्टॉक करने हैं मैं यहाँ पर उनको कर दूँ इस तरीके से पॉइंट आउट ताकि मैं पता कि वो कौन से पॉइंट्स रहेंगे एक ये है एक ये है ये आ गया हमारे पास थर्ड और ये आ आगे हमारे पास फोर्थ तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन करनी है स्टूडेंट जो बेसिकली किसको शो करेगी टेंजेंट को शो करेगी तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली स्केल ही रिक्वायर्ड है और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक लाइन जो कि आ चुकी है कुछ इस तरीके से और जैसा कि हम कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास लाइन है तो हमें दोनों साइड्स पे क्या अब मेंशन करने है एरोज तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायर्ड टेंजेंट आ चुका है अब मुझे क्या करना है स्केल को दोबारा यूज करना है अब हम यहाँ पर एक और लाइन करेंगे ड्रॉ कुछ इस तरीके से अब ये लाइन किसको शो कर रही है हमारे सेकेंड टेंजेंट uh, को शो कर रही है दीज आर द रिक्वायर्ड एजेंट स्टूडेंट सो हमने अपनी जो फिगर है वो कर ली है कंप्लीट अब हम क्या करेंगे अब हम मूव करेंगे अपने रिटर्न वर्क की तरफ ये स्टूडेंट हमें गिवन क्या था टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सेंटर्स ए एंड बी तो हमने देखा कि दो सर्कल्स से जिनके सेंटर ए बी रखे थे और वो क्या थे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, दूसरे को. थे हमारे पास ये हमारे पास क्या था गिवन था स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया था टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली स्टूडेंट उसके बाद फिर हमने क्या किया था ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडिया कंडीशन हमारे पास क्या थी आर हमारे पास ग्रेटर था और आर वन हमारे पास क्या था लेसर था विथ सेंटर एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवलीस का मतलब है आर रेडियस हमने ए uh, पे किया था ड्रॉ आर रेडियस का सर्कल और आर वन रेडियस का सर्कल हमने बी जो हमारे पास एक हमारे पास वर्टेक्स ए था दूसरा वर्टेक्स क्या था बी था टेक सेंटर एट ए ड्रॉ इसको सेंटर लेते हुए हमने क्या कर लिया था स्टूडेंट एक और सर्कल ड्रॉ किया था जो कि हमारे पास आ गया था आर माइनस आर वन बायसेक द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था बाइसेकट द लाइन सेगमेंट ए बी और उससे जब हमें बाइसेक्ट किया था ए बी को लाइन सेगमेंट को तो हमारे पास एम मिड पॉइंट आ चुका था Taking center, को हमने सेंटर लिया और हमने रेडियस जो कि हमारे पास ए एम या बी एम दोनों इक्वल होंगे लेकर चलते हुए हमने क्या किया था ड्रॉ अ सर्कल एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर माइनस आर वन और किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा था पी एंड क्यूब फिर हमने क्या किया था ए uh, को ज्वाइन कर दिया था पी के साथ प्रोड्यूस्ड इीट दर्कल विद डी ए सर्कल का जो uh, हमने देखा गया किस पॉइंट पे मीट करता हुआ नजर आया डी पे ऑल्सो ज्वाइन ए विद ए को हमने किससे किया ए को हमने किया क्यू से उसे प्रोड्यूस किया था वो प्रोड्यूस्ड इट टू मीट द सर्कल एट सेंटर ए एंड सी तो यहां पर हमने इस चीज को भी कर दिया है मैंशन अब फिर हमने फर्दर क्या किया ड्रॉ बी एन जो कि हमारे पास स्टूडेंट uh, क्या थी रे थी पैरल टू ए डी इंटरसेक्टिंग द सर्कल विद सेंटर बी एट टी ओके नेक्स्ट फिर हमने एट uh, स्टेप में जो किया था उसको हम अब करने जा रहे हैं मैंशन ये स्टूडेंट ड्रॉ अलाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट D एंड T हमने लाइन uh, ड्रॉ की जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती थी डी टी इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल तो हमने देखा यहां पर स्टूडेंट्स अब क्यों का स्टूडेंट हमारे पास डी टी लाइन थी इसलिए यहां पर मैंने मैंशन कर दिया डी टी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्कल्स अब एक तो ये आ गया हमारे पास रिपीट द सेम प्रोसेस हमने सेम प्रोसेस को रिपीट किया ऑन द अदर साइड ऑफ ए बी तो हमारे पास क्या आ गया सी एंड प्राइम इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्कल इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये जो हमारे पास जो हम केस कर रहे थे अंडरस्टैंड उसके रिटर्न वर्क को कर दिया है मेंशन और फिगर भी हमने जब कंस्ट्रक्ट की तो एक एक चीज को हम डिस्कस करते हुए ही चले हैं तो आई होप के सारे पॉइंट्स आपको हो चुके होंगे क्लियर दैट्स इट ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो हमने पार्ट अंडरस्टैंड किया है उसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज